नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ पर निगम चुनाव आज सुबह से चालू है और उस चीज़ को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम खड़े हैं एसडी स्कूल में, जहाँ पर मुख्य केंद्र भी मनाया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। लेकिन यहाँ पर अभी हमने अंशु पावा, जो मेयर प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि रुझान लोगों का काफ़ी उत्साह इस चुनाव को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें सबसे मेन अहम बात यह है कि डायरेक्ट चुनाव भी हो रहे हैं, वोटर को दो वोट डालनी पड़ रही है और उसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। माहौल अच्छा दिख रहा है, हमें समर्थन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो हमने पहले प्रचार किया है उससे भी लोगों ने हमें काफी मान सम्मान और प्यार भी दिया है, तो विश्वास रखकर ही चलना पड़ेगा, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। तो यहाँ आप सुबह से आए हुए, आपने लोगों के व्यूज लिए, तो आपको हमसे क्या पता चला है? जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा उसमें रुझान लोगों का काफी बढ़ता दिखाई देगा और उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह आप देख सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं की भी काफी भागीदारी है मत डालने में, और अब की बार जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। ऐसे में लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के जो पहली हम बातचीत भी कराना चाहेंगे, जिस प्रकार से कई जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो इस चुनाव को लेकर काफी भागीदारी। आपका पहला मत डाला है आपकी बात, कैसा लग रहा है जी आपको? अच्छा लग रहा है डाल के, और अपना कैंडिडेट खुद चुना है। अपना कैंडिडेट आपने खुद चुना है, किन विजन को, किस तरह से आपने भाई क्या लगा हम वोट डालेंगे, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपके वार्ड का और मेयर? देखो, बीजेपी पहले थी हमारी, जब अब कांग्रेस को भी देख लेते हैं एक बार, देख कर कि वो भी क्या करते हैं। ऐसे में हमारे साथ और भी वोटर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर किस तरह का रुझान है लोगों में, किस तरह का उत्साह है वो भी देखने को मिलेगा। सर, आज वोट डालने आए हैं आप ये पहले चुनाव के प्रति अब की बार क्या अलग देखने को मिल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है जी, आज छोटे से लेकर बड़े, हर बंदे बुजुर्ग भी सब वोट डालने आ रहे हैं, सब अपना मत का अधिकार पूरा कर रहे हैं। पहले मेयर का जो कैंडिडेट चुनते थे, अब की बार डायरेक्ट चुनाव हुआ, बहुत अच्छी बात है जी। पब्लिक को मौका पूरा मिला है मेयर चुनने का, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया लगा जी, मेयर हम भी खुद चुनेंगे। आप खुद चुनेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया जी। पब्लिक पूरा खुल के बाहर आ रही है, हर गली से वोट आ रहे थे इस टाइम। ये हमारे साथ प्रत्याशी थे वार्ड नंबर 9 के, जो पोलिंग बूथ पे यहाँ पर हम खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह, हर व्यक्ति मत के लिए यहाँ पर अपना प्रयोग कर रहा है और उन्हीं चीज़ों को लेकर के काफ़ी लोग इस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद लोग मेयर अपना चुन रहे हैं और इसी को लेकर के काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि 20-25% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और हम ताज़ा अपडेट सिटी तालका के माध्यम से आपको देते रहेंगे। सहयोगी हैप्पी बुद्धि राजा के साथ जितेंद्र अलावत, सिटी तालका पानीपत। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।